मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही थी तो पीछे से इधर से लड़का आया कोई, तो बस मैंने उसको उसका मुंह नहीं देखा था, ब्लैक कलर की जैकेट लगाई थी, तो पीछे से पर्स खींच के भाग गया। पर्स में क्या क्या था? 5-6 हज़ार रुपया था और मोबाइल था बस। तो लड़का गाड़ी में था या नहीं? पैदल पैदल था। हाँ तो पुलिस पहुँची? हाँ हाँ पुलिस पहुँची है, कोशिश कर रही है वो ढूंढने की। जब आपका पर्स छीना उसने उसके बाद किस तरफ भागा? बस सभी दुकानदारों ने सभी ने देखा, बोले वो पानी वाला वाली साइड चला गया। अच्छा, क्या पुलिस से क्या मांग रहे हैं? पुलिस वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे कोर्ट रोड के दुकानदार लक्ष्मण दास जी हैं, जो वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं, उनकी वाइफ घर से बाहर निकली तो एक लड़का बाहर से आया और उसने उनका पर्स छीन लिया। उसमें कोई 5-6 हज़ार रुपये कैश था व उनका मोबाइल था। तो उसके बाद वहाँ भागा और यहाँ के दुकानदारों ने उसको देखा है, तो एक कैमरा जहाँ से भागा वहाँ कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज हम पुलिस को देंगे। लेकिन पुलिस फौरी उसी समय पहुँच गई जब हमने फ़ोन किया, पुलिस हमसे पहले यहाँ पहुँच गई। तो आप पुलिस का छानबीन कर रही है, वो पाइन विला की तरफ भागा है। पुलिस, हम पुलिस से यही मांग करेंगे जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए और शहर में जो बढ़ता है, जो स्नैचिंग का काम बढ़ रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। क्या पुलिस का डर चोरों के दिल में, दिन ब दिन तो चोरी 300, ये जो दिन दिखाड़े काम हो रहे हैं, इस पर पुलिस को कंट्रोल अनशुक लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो जिसने भी स्नैचिंग की है उसे पकड़ा जाए।